वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, खुशी के फूटने लगे बबल, क्योंकि अब मिलेगा एक का डबल। तू भी एक का डबल करता क्यों है? अरे क्या हुआ, कहावत पसंद नहीं आई? चलो फिर भी आपको बधाई हो, बधाई हो, बधाई, क्योंकि जवान का न्यू ट्रेलर आ चुका है भाई। और शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान इसमें डबल रोल में होने वाले हैं बॉस। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अब हाँ, ये ट्रेलर कुछ लेट तो आया है, लेकिन अपने साथ एकदम फ्रेश माल लाया है। तो गुरु, स्टोरी के प्लॉट की बात करें तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। पॉसिबल यहाँ आपको देशभक्ति प्लस बदले का कॉम्बो देखने को मिलेगा। दो टाइमलाइन की स्टोरी यहाँ रन करती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ एक बेटा अपने बाप की खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए, उसे जेल से बाहर लाने के लिए, और सबसे मेन चीज, देश में ही छुपे गद्दारों से देश को बचाने के लिए पूरे सिस्टम की मदर सिस्टर टुगेदर करता दिखाई दे रहा है। सिस्टम पार देंगे। कैरेक्टर्स की बात करूँ तो सबसे पहले शाहरुख खान के पिता विक्रम राठौर आर्मी में ही होने वाले हैं, और अपनी दीपू का जो कैमियो होने वाला है वो इन्हीं के साथ होगा। विलेन के तौर पर विजय सेतुपति हथियारों के डीलर बने हैं, जो कि अपने ही देश को अंदर से चाटते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या फुदक रहा है, बात क्या है? अब देखो बॉस, तमिल का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हिंदी में इनके डायलॉग्स मुझे थोड़े हल्के ही नजर आए। अब कैमरा जरा नयनतारा की ओर घुमाएं। इनका कैरेक्टर रोमांटिक प्लस स्ट्रांग और काफी सारे एक्शन से दिखा हरा भरा। इसके अलावा हमारे डॉक्टर गुलाटी यानी कि सुनील ग्रोवर दो जगह दिखाई दिए, और यकीन मानो ये बंदा कुछ तो कर रहा है खड़ा खड़ा। अच्छा, और इन छह कन्याओं की बात करें तो ये भी पूरे एक्शन में दिखाई देंगी, लेकिन फिलहाल इनको जरूरत नहीं है पहचान की। और बात करें अगर मूवी के सेंटर बिंदु जवान की, तो जितने भी नए सीन हमारे सामने आए हैं उसमें उनकी एक्टिंग काफी जबरदस्त लग रही है। उनके डायलॉग्स एकदम सनकी हैं और डांस एकदम फंकी है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोई बिगड़ा हुआ डंकी है। और अब आपको तीन खास डिटेल्स बताता हूँ जो शायद आप नोटिस नहीं कर पाए होंगे। नंबर एक, शाहरुख की गैंग की लड़कियां मूवी के एंड में नयनतारा और उसकी टीम के साथ मिलकर काम करेंगी, क्योंकि इस वाले सीन में वो नयनतारा को अपना चांद सितारा यानी कि अपना प्लान एक्सप्लेन करते हुए दिखाई दे रही है। नंबर दो, शाहरुख के पिता विक्रम राठौर सिर्फ नॉर्मल सैनिक नहीं बल्कि स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा होंगे, क्योंकि ध्यान से देखने पर उनकी चेस्ट पर लगा पैरा कमांडो का बैज आप नोटिस कर सकते हो। और नंबर तीन के बारे में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि शायद एनएसजी को मूवी से हटा दिया गया है, क्योंकि जब इसका प्रीव्यू आया था तब एनएसजी को 4 से 5 जगह पर नोटिस किया गया था। और आज इसका न्यू ट्रेलर आने पर मैंने वुल्फ की छोड़ के चील वाली नजर भी दौड़ाई, लेकिन मुझे एनएसजी कहीं भी नजर नहीं आई। आपको नजर आई है तो कमेंट करके बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, मत बताओ। खैर, हमारी न्यू रोस्टिंग वीडियो आ चुकी है, लिंक कमेंट में दे दिया है, तो जाओ उसका भी मजा उठाओ।